आज जो मध्य परिषद के समक्ष मामले आए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण विषय है जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना, आपको जानकारी होगा कि यह कार्य आरंभ हो गया है और सब तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाना था, ऐप और पोर्टल, उसके लिए जो परामर्शी का चयन है वह भी कर लिया गया है और उसमें वह 2,44,94,440 का व्यय होने पर स्वीकृति दी गई। दूसरा ये था कि आपको जानकारी होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की भी टेंटेटिवली कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। तो इस यह कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम आपके जाति आधारित गणना के बीच में पड़ रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो चल ही रहा है और साथ ही साथ अगले साल शुरुआत में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं। इसी के मद्देनज़र जो जाति आधारित गणना है उसका समय सीमा फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो मई 2023 तक ये प्रतिवेदन आ जाएगा और सरकार ये के समक्ष इसको रखा जाएगा। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भारत सरकार की है। पहला है ये आवासन शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, ये भारत सरकार की स्कीम है अमृत 2.0। आपको याद होगा कि अमृत 1.0 कार्यान्वित किया जा रहा था, अब अमृत 2.0 की मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसमें जो केंद्र अंश है वो 2620 करोड़ है, 2620 करोड़ केंद्र अंश है और राज्य अंश जो है जो 1,00,000 तक की आबादी है उसमें 50% राशि राज्य सरकार देगी और केंद्र सरकार 50%। जो 10,00,000 से 1,00,000 की आबादी है उसमें 2/3 राज्य सरकार देगी और 1/3 भारत सरकार देगी और जो 10,00,000 से ऊपर है उसमें 75% राज्य सरकार देगी और 25% केंद्र सरकार देगी। तो अमृत 2.0 योजना की स्वीकृति दी गई। इसी में दो कमेटियां भी हैं, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी है और स्टेट हाई पावर्ड कमेटी SHPCB है, ये दोनों मुख्य सचिव के स्तर पर कमेटियां हैं। इसकी भी स्वीकृति आज इस बैठक में दी गई है। तो 2620 करोड़ जो केंद्रांश है उसके साथ राज्यांश भी आएगा। तो ये बहुत बहुत, बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अंतर्गत जो मुख्य घटक हैं यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई और सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट, जो सीवरेज और सेप्टेज है और रिसाइकल रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर है, जो गंदा पानी है उसका रिसाइकल रीयूज करने का है और रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज है, जो हमारे जल और तालाब जो हैं हमारे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में उसका जीर्णोद्धार है। तो मुख्य रूप से ये अमृत 2.0 के तीन कंपोनेंट मैं पढ़ देता हूँ। वाटर सप्लाई का यूनिवर्सल कवरेज है, सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट और रिसाइकल ऑफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर, तो जो यूज़ किया हुआ पानी है उसको रिसाइकल करके रीयूज करना सीवरेज वाटर का, और रिजनरेशन वाटर बॉडी है कि जो आपके जल स्रोत हैं वाटर बॉडीज हैं उसका उन्नयन करना। तो ये अमृत 2.0 है, ये बात वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर लिस्ट का रिविजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके मद्देनज़र इस कार्यक्रम को फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 किया गया है। तो यही मूल कारण है, अन्यथा जो तैयारियां हैं वो समय पर कर दी गई हैं और समय पर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और कुछ पीरियड जब परीक्षा वरीक्षा चल रही होंगी वो विलंब का की संभावना है जिस कारण से विस्तारित किया गया था। दूसरा है कि अब आपको जानकारी होगा हम लोग दो विषय पर बहुत कड़ाई राज्य में किए हुए हैं, एक तो बालू और एक है लिकर का जो मद्य निषेध है।
तो जो बालू में इस बार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न मोटर बोट चेन एवं अन्य उपस्कर क्रय किए जाए, हाई स्पीड बोट जो है, ताकि जो नदी के माध्यम से अवैध बालू ढोया जाता है और नदी में अवैध बालू की निकासी की जाती है, वो क्रय करने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग का प्रस्ताव था कि 5 करोड़ अग्रिम बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराया जाए। तो ये बोट स्पीड हाई स्पीड बोट चेन और अन्य उपस्कर क्रय करने के लिए ये अग्रिम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। साथ ही साथ आपको जानकारी होगा कि जो मद्य निषेध विभाग है, जो अभियान चल रहा है, उसमें काफ़ी व्यय होता है गाड़ियों में, पुलिस फोर्स में, और साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रचार प्रसार में। उसके लिए 25 करोड़ का बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। एक और भारत सरकार की योजना है, ये वही आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय है, SBMU 2.0 है। इसके विभिन्न घटक हैं और इसके अंतर्गत जो भारत सरकार ने केंद्रांश स्वीकृत किया है 1204.80 करोड़ है, और उसी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में जो पूर्व की योजना है उसी अनुपात में राज्यांश भी है। और इसमें घटक जो है मैं पढ़ देता हूँ, एक तो व्यक्तिगत शौचालय सामुदायिक शौचालय है, इसका अंशदान अलग अलग है, और प्रयुक्त जल प्रबंधन यूज्ड वाटर मैनेजमेंट है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज है, सूचना शिक्षा संचार व्यवहार परिवर्तन है, क्षमता परिवर्तन और कौशल विकास है। तो बहुत सारी ये योजनाएं हैं और सबके अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग केंद्रांश और राज्यांश है। कुछ में 25 भारत सरकार दे रही है, 75 राज्य सरकार दे रही है, 33 कुछ में भारत सरकार दे रही है, 67 राज्य सरकार दे रही है, कुछ में 50-50 है। अलग अलग घटक है और अलग अलग योजनाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो दो आपकी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य विभाग ने, मैं डॉक्टर मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया, तो ये 3/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से उपस्थित थी, जो इनको आरोप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011, इसमें संशोधन किया गया है। इन सभी को प्रमोशन के लिए केंद्र परीक्षा समिति में सहकारिता सेवा को वाद अभिलेख प्रस्तुत करना रहता था, वाद अभिलेख जो रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करना होता था, उसकी परीक्षा, उसका चेकिंग होता था, और उसके बाद फिर उनका प्रमोशन होता था, डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट वो था, वो हटा दिया गया है। एक बहुत छोटा सा संशोधन है कि अब वाद अभिलेख उनको प्रस्तुत नहीं किया जाना होगा। यह बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2011 में यह संशोधन कर दिया गया। आपको जानकारी होगा कि अगला है वित्त विभाग का प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगा कि हम लोगों ने 7th पे कमीशन के जितने कर्मचारी हैं उनका DA बढ़ा दिया था, और लास्ट कैबिनेट में हम लोगों ने इसकी सूचना भी दी थी, सभी का जो DA है भारत सरकार ने बढ़ा दिया। अब कुछ कर्मी हैं जो पंचम और षष्टम में भी हैं, जो कर्मी हैं तो जो पंचम में हैं उनका 381% से 396% DA बढ़ जाएगा, और जो षष्टम है उनका 203 से 212 बढ़ जाएगा। तो कुछ कुछ पुराने कर्मी भी हैं जो विभिन्न पे स्केल में हैं और विभिन्न पे कमीशन के रिकमेंडेशन के स्केल में हैं, तो ये दोनों जो कैटेगरी है पंचम और षष्टम, ये अपने अपने जो वेतनमान है उसमें 381 को 396 और 203 को 212% बढ़ोतरी होगी। भूतत्व विभाग हैं, इन्होंने 4 खान निरीक्षकों के पद मुख्यालय में सृजित किए हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ छुट्टी देना पड़ता है, और कुछ अन्य सुपरविजन के कार्य रहते हैं मुख्यालय में, इसके लिए 4 खनन निरीक्षकों के पद मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक में भी पद स्वीकृत किए गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन कार्यक्रम में, राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, कुल 14 पद शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये हमारे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर और राजकीय पॉलिटेक्निक नवादा में ये पद सृजित किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मुजफ्फरपुर में, MIT में बायोमेडिकल एवं रोबोटिक इंजीनियरिंग के 12 पद, और लोकनायक जयप्रकाश
प्रौद्योगिक संस्था छपरा एवं कटिहार अभ्यंतरण महाविद्यालय कटिहार में फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन कार्यक्रम के 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का स्वीकृति दिया, तो कुल 36 पदों का स्वीकृति दी गई है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और आपके ITI हैं, इसमें ये पद स्वीकृत किए गए हैं। तो आज मुख्य रूप से यही निर्णय आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिया।